सीएम केजरीवाल ने किया मोती नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन, लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति, हर साल बचेगा 6 लाख लीटर ईंधन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मोती नगर रिंग रोड पर नए फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया। इसके साथ ही अब हर रोज लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही आने जाने में लोगों का समय भी बचेगा। सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने इसका उद्घाटन किया। मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी मौजूद रहे। ये फ्लाईओवर करीब 500 मीटर लंबा है। इसकी लागत तकरीबन 50 करोड़ है। इस फ्लाईओवर से नॉर्थ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी और वेस्ट दिल्ली के राजा गार्डन फ्लाईओवर से लेकर पंजाबी बाग आने वाले लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं रिंग रोड पर धौलाकुआ से आने जाने वालों के लिए भी फ्लाईओवर बनने से राहत होगी और समय बचेगा। मोतीनगर रिंग रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि ये फ्लाईओवर संजीवनी का काम करेगा। विधायक ने कहा कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली के नए सांसद बनने जा रहे हैं। विधायक गिरीश सोनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश विदेश में फेमस हैं, इसलिए मोदी तंत्र इनके पीछे पड़ा हुआ है और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश करता रहा है। मंच से आप लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति में काम की राजनीति की शुरुआत की, वहीं अन्य दल जाति धर्म की राजनीति करते हैं। परेशानियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने मुस्कुराना बंद नहीं किया। मंत्री आतिशी ने कहा कि रिंग रोड के हिस्से पर छोटी सी दूरी पार करने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है। नए फ्लाईओवर से रोजाना 1.25 लाख वाहन ट्रेवल करेंगे। आतिशी ने कहा कि इस फ्लाईओवर के कारण सालाना 6 लाख लीटर ईंधन की बचत होगी और लोगों का 9 घंटे का समय भी बचेगा। दिल्ली में 9 साल में 30 फ्लाईओवर बने हैं। देश के इतिहास में कभी इतना विकास नहीं हुआ होगा। दिल्ली ट्रैफिक जाम के मामले में 4वें नंबर पर था। केजरीवाल सरकार आने के बाद ट्रैफिक जाम कम हुआ है और अब ट्रैफिक जाम के मामले में दिल्ली 44वें नंबर पर आ गई है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।